चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स क्या होते हैं, क्लोज लेयरिंग के अंदर कवर रहते हैं, उनके आउटर साइड कवरिंग प्रेजेंट होती है और सीड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को अपन एंजियोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर किसी ना किसी स्टेज के अंदर फ्लावर्स कंटेन करते हैं। फ्लावर्स इनके बॉडी का मेल ऑर्गन होता है, मेल ऑर्गन होता है। तो ये प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के अंदर नई ऑफ स्प्रिंग को रीजनरेट करते हैं, या सरल लैंग्वेज के अंदर अपन बोलें तो बच्चे पैदा करने का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट नंबर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, बायोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसको कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। नॉन लिविंग सब्सटेंस के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर नहीं होता है। इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जो भी पेरेंट्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो या तो अपने सिमिलर या फिर डिससिमिलर ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है या रिप्रोड्यूस करता है। इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर वो रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन इस नेचर के अंदर लॉन्ग टर्म तक बना रहे। क्योंकि इसके अंदर रीज़न ये होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स की जो एज होती है वो डेफिनेट एज होती है, और डेफिनेट एज के बाद सब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ उस ऑर्गेनिजम्स का इस एनवायरनमेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, और वो ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहता कि मेरा आइडेंटिफिकेशन इस नेचर से फिनिश हो, और इस आइडेंटिफिकेशन को वो लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर करता है। अपने ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे होता है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा इसलिए करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी अपने सोसाइटी के अंदर लंबे टाइम तक बनी रहे, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनरली टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, आर नॉट इन्वॉल्व। इस प्रोसीजर के अंदर मेल और फीमेल दोनों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें मेल भी नई ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकता है और फीमेल भी नई ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती है, बिल्कुल क्लोन। अपन जब पेरेंट्स के सिमिलर कोई भी ऑफ स्प्रिंग अगर रिप्रोड्यूस होती है तो उसको अपन क्लोन बोलते हैं, और ये आरबीएससी के अंदर वन टाइम और टू टाइम आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। थर्ड नंबर, द ऑफ स्प्रिंग इज सिमिलर टू पेरेंट्स इज कॉल्ड क्लोन। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड नंबर, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर टाइप, इट डिवाइड इनटू
टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट ए इज ए गैमोस्पर्मी, सेकेंड पार्ट इज बी वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये टू टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए गैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि उनके अंदर एक बार तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है और एक बार हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज आती है, जो कि अपन ने 11th क्लास के अंदर स्टडी करा था, लेकिन उसके बारे में अपन आगे डिटेल लेंगे। फर्स्ट नंबर ए गैमो स्पर्म, ए का मीन्स एब्सेंट, गैमो गैमोस, गैमोस का मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म का मीन होता है सीड। इसका मीनिंग, एक गैमोस्पर्मी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन से सीड्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसीजर को अपन एक गैमोस्पर्मी बोलते हैं। दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज डन बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स आर produce is called a gamosperm। ये एक गैमोस्पर्मी वाला क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड के अंदर पहले भी आ चुका है, क्लोन वाला क्वेश्चन भी आरबीएससी बोर्ड के अंदर पहले भी आ चुका है, और एक गैमोस्पर्मी वाला क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो ये एक गैमोस्पर्मी रिप्रोडक्शन था जिसके अंदर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स को क्या करते थे, रिप्रोड्यूस करते थे या फॉर्मेशन करते थे, इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं एक गैमोस्पर्मी। सेकेंड टाइप बी नंबर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें प्लांट का रूट स्टेम, प्लांट का रूट स्टेम लीफ, इनसे ही नया प्लांट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इस टाइप के प्रोसीजर को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट का जो पार्ट पार्टिसिपेट करता है उस पार्ट को अपन प्रोपिग्यूल के नेम से जानते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस In this process, plant occurs
occurs from vegetative part of plant and not form seeds. Not form seeds. Second point, the part of plant is used for vegetative propagation is called propagule. प्लांट का वो पार्ट जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उस पार्टिसिपेट करने वाले पार्ट को अपन प्रोपिग्यूल के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. It divide into following parts. Part number A, vegetative propagation by stem. B number, vegetative propagation by roots. C number, vegetative propagation by leaves. D number, vegetative propagation by sexual organs. सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसीजर होता है. फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं ए, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय स्टेम. स्टेम जो होता है प्लांट का, वो स्टेम जो होता है अपने मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाइड होकर क्या कर देता है, डिफरेंट पार्ट्स को रेडी करता है, और वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. इन दिस प्रोसेस प्लांट स्टेम बिकम modified and reproduce a special structure, This structure develop a new plant. Examples. First number example is rhizome. Rhizome जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर है,
और ये राइजोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि नए प्लांट को डेवलप करेगा, जिंजर। जिंजर के अंदर क्या होता है, राइजोम से एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो नए प्लांट को डेवलप करती है। सेकेंड स्ट्रक्चर का नेम है ट्यूबर। ट्यूबर जो प्रेजेंट होता है वो होता है पोटैटो के अंदर। थर्ड नंबर बुलबिल। बुलबिल ये होता है गार्लिक लहसुन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल कॉर्म। कॉर्म प्रेजेंट होता है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया रनर। रनर प्रेजेंट होते हैं ग्रास में। नेक्स्ट सकर। सकर प्रेजेंट होते हैं मिंट के अंदर। नेक्स्ट स्टोलोन। स्टोलोन प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉबेरी। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो स्टेम होता है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है, और मॉडिफाइड करके ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नए प्लांट को डेवलप करती है, और ये सारा प्रोसीजर एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर डन होता है। अगर फेवरेबल कंडीशन इनको नहीं मिलती तब तक ये जर्मिनेशन नहीं करते, और विदाउट जर्मिनेशन नए प्लांट डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट इससे आगे की जो क्लास होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।